अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, और मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो आज संडे है और आप लोग जब व्लॉग देख रहे होंगे तो तब पता नहीं कौन सा दिन होगा। तो आज संडे है और आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। वैसे भी मैं बनाती हूँ डेली, लेकिन डेली आपको पता है मेरी रूटीन कैसी होती है कि मैंने स्कूल जाना होता है, सो मैं कोई वीडियो वगैरह तो ले नहीं सकती वहाँ पे। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ बनाने की कोशिश करी थी ऑमलेट, लेकिन यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही ग्रीन हो गया था। तो खैर जो भी है, अभी मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। और अभी कुछ दिनों से ना मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की क्योंकि मैं काफ़ी मेरा मूड नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ना बहुत हुई हुई थी, क्योंकि मेरे सामने दो लोगों की डेथ हुई है जो कि इतनी सडन हुई है। तो मैं मतलब मैं इतनी शॉकिंग मेरे लिए वो न्यूज़ थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, मतलब हम लोग क्या सोच रहे होते हैं और क्या हो जाता है। तो आप लोग शायद जानते भी होंगे अब्रिश किचन के नाम से एक मेरी फ्रेंड हैं, तो उनकी डेथ हुई है, इतनी सडनली डेथ हुई है। तो मतलब बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। तो मुझे बिल्कुल बिना वो वीडियो अपलोड करने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मतलब कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। सो ये क्या ज़िंदगी है, मतलब हम लोग क्या क्या हमारे प्लान्स होते हैं तो क्या हो जाता है। और एक मेरे मामू की डेथ हुई थी इतनी सडनली, तो ये सब सोच के ना मुझे कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। सो ये रीज़न थी मेरी। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये वीडियोस मैंने बनाई थी संडे को, तो जो मैंने क्लिप्स वगैरह लिए थे तो मैंने मेरा एडिट करने का भी कोई मूड नहीं हो रहा था। सो आज मैंने सोचा कि फिर ये भी बुरी बात है कि मैं अपने मतलब जो यूट्यूब सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो सोच होंगे कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही। तो क्योंकि मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए थे कि आपके व्लॉग नहीं आ रहा, नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। सो यहाँ मैंने आज सोचा कि मैं वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ जैसी भी है। यहाँ पे संडे को आपको पता ही है कि रूटीन इतनी टफ होती है कि काम ख़त्म ही नहीं होते। सुबह नाश्ता बनाया, फिर उसके बाद सफाइयाँ की, फिर कपड़े प्रेस किए, तो बस इसी में पूरा दिन गुजर गया। इसके बाद ये दो मुन्ने मेरे पास आ गए, ये काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे कि हमारा कंपटीशन करवाओ, कोई चैलेंज करवाओ। तो आज मैंने सोचा कि चलो डन करवा ही देते हैं। तो आज मेरे पास थे जस्ट बनानाज अवेलेबल, तो इसी पे मैंने इनको टरखा दिया। आप लोग भी देखें कि इनका कंपटीशन कैसा हुआ। आर यू रेडी? यस। ओके नाउ स्टार्ट। टाइम पहले एक मिनट रुको, कोई नहीं चीटिंग की, उसको नहीं खाना, साइड पे रखो, साइड पे रखो ना, इधर ऊपर ही रखो, साइड पे रखो। चलें जी, अब हम करने लगे हैं। एक मिनट, टाइम स्टार्ट। हमजा जल्दी करो, हमजा फिर तुम हार जाओ, गैस से थोड़ी होता है कंपटीशन में। सेकंड्स हो गए हैं। 19 मिनट्स लेफ्ट। हमजा जल्दी करो ना, कंपटीशन हो रहा है। टाइम मैंने पहले कहा था। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमजा साहब का मूड खराब हो गया था, स्टार्टिंग में यही हो गया था कि मुझे बनाना पसंद ही नहीं है, तो आफिया जीत रही है, तो बस ये हाल हो गया था इनका। तो बस कोई खास मजा नहीं आया चैलेंज करवाने का, लेकिन बस सो था, सो हमने करवा दिया, इनका भी शौक पूरा हो गया। अब मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छा सा कंपटीशन करवाऊंगी इनका। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चैलेंज हो गया था डन, और यहाँ पर गाइस जीत गई थी आफिया, क्योंकि उसने 3 बनानास खाए थे ओनली 1 मिनट में, और हमजा ने खाए थे 2। अभी
टू भी नहीं खाए थे, वन एंड हाफ. सो यहाँ पे हो गया था कंपटीशन डन. और डिसाइड ही हुआ था कि नेक्स्ट कंपटीशन होगा नूडल्स पे या किसी स्पाइसी चीज पे. आप लोग बताएं कि आपको ये कंपटीशन कैसा लगा. जी तो भैया, जहाँ पर मैंने लंच बना लिया था, और लंच में हमने क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट किया था तो लंच में इतना कोई खास लंच नहीं करना था. सो यहाँ पे मैंने साथ ही इवनिंग के लिए भी रख दिया था मटन, क्योंकि मुझे करना था, क्योंकि स्कूल का काफ़ी सारा वर्क था जो कि मैं घर लेकर आई हुई थी, समर वेकेशन टास्क बनाना था. सो ये सब चीज़ें, तो मैंने अभी सोचा कि जल्दी जल्दी से ना सारा कुछ अभी कर दूँ ताकि इवनिंग में फ्री हो जाऊँ, फिर वो ईजिली वो कर सकूँ. तो यहाँ मैंने मटन जो है मैं बनाती हूँ, तो जब मैं कुकर में बनाती हूँ, आई डोंट नो कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं, डिफरेंट वेज होते हैं सबके. और कढ़ाई में भी बनाती हूँ सिंपल तरीके से, लेकिन मैं जब जल्दी मुझे चाहिए होता है ना कोई काम, तो फिर मैं यहाँ ये वाला चूज़ करती हूँ मेथड. तो इसमें मैं क्या करती हूँ, कुकर में मैं सब चीज़ें डाल देती हूँ इकट्ठे ही, और इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल के, अनियन, टमाटोज, सब कुछ. और टू पोटैटोज मैंने अपने फ्लेवर के लिए डाले थे क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये डाल दिए थे. और सारी स्पाइसेस वगैरह डाल के, तो मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देती हूँ, ताकि कुकर में होता है ना, तो कुकर में फिर ये होता है कि नीचे लगने का अंदेशा होता है, तो मैं इसलिए फिर थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर देती हूँ. और जस्ट इसको मैं 5 मिनट्स या 7 मिनट्स के लिए रखती हूँ, और क्योंकि ये फ्रेश था तो इसको हम थोड़े ही टाइम के लिए रखेंगे. अगर आपके फ्रीजर में पड़ा होता है ना, तो उसको फिर आप 7 मिनट्स तक भी रख सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे इसको जस्ट 5 मिनट्स के लिए रखना था, और उसके बाद ये कुक हो जाना था. उसके बाद मैंने जैसे इसको ऑयल वगैरह डाल के तो भूनना था, और उसके बाद कढ़ाई रेडी होनी थी. सो मैंने ये भी साथ कर लिया. और इस तरह से ना वैसे बहुत मज़े का बनता है, मुझे पर्सनली मुझे ऐसा बड़ा मज़े का लगता ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो गोश्त होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक से ही बॉयल हो जाता है, और बहुत मज़े का टेस्ट होता है. तो मैं अक्सर जो है ना वो ऐसे ही बनाती हूँ, एक तो जल्दी बन जाता है और बनाती भी फिर मैं ऐसे हूँ. फिर इवनिंग में काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, थोड़ी थोड़ी रेन भी स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ मैंने पकौड़े बनाए थे. और पकौड़े खाते खाते, चाय के साथ इंजॉय करते हुए, तो मैं फिर असलान से मिलने गई थी. तो असलान जो है वो मुझे तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाता, लेकिन फिर भी मैं उसके पास जाती हूँ, थोड़ा सा टीज़ लेती हूँ, बहुत मज़ा आता है. आपने नीचे जो फेंक दिया था, मैं ले जाती हूँ. अच्छा मैं उधर से लेके जाऊंगी, इधर नीचे से ये मैं ले जाती हूँ. जूता. Oh no! Stop it, Allah. इतना गुस्सा आसान. ये मेरा नहीं है, ये आपकी मामा का है. कैसे स्नान ने तो मुझे एंटर ही नहीं होने दिया. फिर काफ़ी टाइम के बाद मैं भी उसको तंग करती रही, लेकिन फिर उसका मूड थोड़ा सा बेटर हो गया था. फिर भी वो मुझे बार बार बाय बाय बोलता था, लेकिन मैंने भी उसको खूब तंग किया. क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ABC पढ़ो. ABC B is for bye-bye. C is for cat. D is for apple. D is for ball. Dido. Dido. Dog. My E-O. Elephant. Bye-bye. F is for fish. G is for girl. H is for hat. Bye bye. I is for egg. No, I'm not going. I is for egg. J is for jelly. J is for you. K is for you. K is for you. L is for bye bye. L is for lemon. Line. Okay. Yeah. What is this? Bye bye. मैं नहीं जा रही ना. Yeah. One, two. गाड़ी आई. चिक चिक चिक. चिक. कौन सी?
लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा कौन सी गाय गाय गाड़ी आई छुक 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 जी। तो भैया जब मैं घर आ चुकी हूँ और इस्लाम को मैंने आज खूब सारा तंग किया और जी भर के तंग किया, क्योंकि उसके समय मेरे साथ दोस्ती होती नहीं है, तो आज मैंने उसके साथ थोड़ा तंग ज़्यादा स्पेंड किया। उसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी आज, तो मैंने उसको तंग भी खूब किया, लेकिन फिर वो उसकी थोड़ी थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई थी, लेकिन वो मुझे बार बार कह रहा था, लिटरली बार बार बाय बाय। तो फिर मैंने उसे काफ़ी तंग किया और मुझे बड़ा मज़ा आया और अभी मैं घर आ चुकी हूँ। आप लोग बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन ह्यूज थम्स अप एंड वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।